मेरा गृह राज्य ओडिशा भी ऐतिहासिक रूप से बिहार से ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं भी अपने आप को बिहारी कह सकती हूँ। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बिहार पहुंची हैं, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी टाइट की गई थी। आपको बता दें कि जब वो पटना एयरपोर्ट पहुंची तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव खुद उनको लेने पहुंचे थे। इसके बाद वो बापू सभागार गई, वहां पर जाके कृषि रोड मैप का उद्घाटन किया। उसके बाद उन्होंने सभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने खुद को बिहारी भी बताया है। क्या कुछ कह रही है वो जरा सुने आप लोग। सभी को मेरा नमस्कार। आज बिहार के चतुर्थ कृषि रोड मैप के शुभारंभ के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। राष्ट्रपति के रूप में भले ही ये राज्य की मेरी पहली यात्रा है, मैं बिहार के लोगों और यहाँ की संस्कृति से भली भांति परिचित हूँ। पड़ोसी राज्य झारखंड के राज्यपाल पद के दायित्व का करीब 6 वर्षों तक निर्वहन करते हुए मैंने बिहार की संस्कृति और जीवन शैली को करीब से जाना और महसूस भी किया। मेरा गृह राज्य ओडिशा भी ऐतिहासिक रूप से बिहार से ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं भी अपने आप को बिहारी कह सकती हूँ। कृषि बिहार की लोक संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। बटोहिया, विदेशिया से लेकर कटनी और रोपनी गीतों तक की बिहार की लोक संस्कृति और साहित्य की यात्रा ने पूरी विश्व में अपनी पहचान बनाई है। मैंने सूरीनाम की अपनी यात्रा के दौरान वहां पर पुरातन बिहार के झलक देखा। विशाल भौगोलिक दूरी और अलग अलग टाइम जोन में होते हुए भी बिहार से गए लोग ने जहाँ तक वहाँ और रहते हैं अपनी संस्कृति और परंपरा को संजोए रखा है, वही दूसरे ओर स्थानीयता में भी रोज बस गए हैं। देवियों और सज्जनों, बिहार की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। हम सब जानते हैं कि मानव सभ्यता के विकास और कृषि के बीच घनिष्ठ संबंध रहा है। कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था का आधार है। कृषि और संबंध क्षेत्रों में न केवल राज्य का लगभग आधा कार्यबल लगा हुआ है, बल्कि राज्य की जीडीपी में भी इसका अहम योगदान है। इस प्रदेश की उन्नति के लिए कृषि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास अत्यंत आवश्यक है। ये प्रसन्नता की बात है कि बिहार सरकार वर्ष 2008 से ही कृषि रोडमैप का क्रियान्वयन कर रही है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि पिछले 3 कृषि रोडमैप के क्रियान्वयन के फलस्वरूप राज्य में धान, गेहूं और मक्का की उत्पादकता लगभग दुगनी हुई है। साथ ही बिहार मशरूम, शहद, मखाना और मछली उत्पादन में भी अग्रणी राज्यों में शामिल हो गई है। 4th कृषि रोड मैप का शुभारंभ इस प्रयास को और आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुझे ये बताया गया है कि इस कृषि रोड मैप के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में फसलों के विविधीकरण, बेहतर सिंचाई सुविधा, भूमि और जल संग्रहण, बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता, जलवायु अनुकूल कृषि, फसल अवशेष प्रबंधन, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, भंडारण की सुविधा का विकास जैसे विषयों पर बोल दिया जाएगा। देवियों और सज्जनों, बिहार के किसान भाई बहन खेती में नई नई प्रयोगों को आजमाने और अपनाने के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एक अर्थशास्त्री ने नालंदा के किसानों को ग्रेटर देन साइंटिस्ट कहा था। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आधुनिक पद्धति को
अपनाने हेतु यहाँ के किसानों ने कृषि एक परंपरागत तरीके को अनाज की किस्मों को बचाए रखा है। ये आधुनिकता के साथ परंपरा के सामंजस्यों का अच्छा उदाहरण है। शायद इसी कृषि संस्कृति को पहचान कर वर्ष 1905 में भारत का पहला कृषि अनुसंधान केंद्र बिहार के पूसा नामक जगह पर स्थापित किया गया है। आज जैविक उत्पादन की मांग देश विदेश में तेजी से बढ़ रही है। बिहार के किसान भाई बहनों को इसका लाभ उठाना चाहिए। जैविक खेती के एक और जहां कृषि की लागत को कम करने का पर्यावरण संरक्षण और सहायक है, वही दूसरी ओर ये किसानों की आय को बढ़ाने और लोगों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने में भी सक्षम है। मुझे खुशी है कि बिहार सरकार ने जैविक खेती के लिए गंगा किनारे के जिले में जैविक कॉरिडोर बनाया है। जो भी कृषि और पर्यावरण संरक्षण में खेती और पशुपालन के बीच एक दूसरे को लाभान्वित करने का पारंपरिक संबंध बहुत लाभकारी है। खेती के अवशिष्ट यानी वेस्ट और खरपतवार पशुओं के लिए उत्तम चारा होता है। पशुओं का गोबर भी जैविक खाद के काम करता है। बिहार में अधिकांश किसान सीमांत किसान हैं। उनके लिए आधुनिक यंत्रों का उपयोग आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता है। अतः कृषि और पशुपालन का एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रयोग किसानों को आर्थिक रूप से सबल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है। ये पूरी मानवता के अस्तित्व के लिए संकट है, लेकिन बहुत कम बारिश हुई है। बिहार एक जल संपन्न राज्य माना जाता रहा है। नदियां और तालाब इस राज्य की पहचान रही है। इस पहचान को बनाए रखने के लिए जल संरक्षण पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। मेरी राय है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने में क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वर्तमान कृषि पैटर्न में बदलाव लाकर बायोडायवर्सिटी को बढ़ावा दिया जा सकता है। जल स्रोतों का दोहन कम किया जा सकता है। मिट्टी की उर्वरता का संरक्षण किया जा सकता है और सबसे बढ़कर लोगों की थाली में संतुलित भोजन पहुंचाया जा सकता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि बिहार की एक प्रमुख फसल मक्के से इथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा है। फसिल फ्यूल पर निर्भरता को कम करने, पर्यावरण संरक्षण और देश की ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। सब्जियों और फलों का उत्पादन भी आर्थिक और पर्यावरण की दृष्टि से लाभदायक हो सकता है। बिहार अनानास, आम, केला, अमरूद और लीची का प्रमुख उत्पादन राज्य है। यहाँ पर गोभी, बैंगन, आलू, प्याज जैसी सब्जियों भी प्रचुर मात्रा में उगाई जाती है। बिहार के मखाना, कतरनी चावल, मोर्चा धान, जरदालू आम, सही लीची और मोघी पान को जीआई टैग मिला हुआ है। लेकिन सब्जियों और फलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन में भंडारण, परिवहन और बाजार जैसी समस्याओं सामने आती है। उचित भंडारण, सस्ती और विश्वसनीय परिवहन व्यवस्था और व्यापक बाजार उपलब्ध कराकर फलों और सब्जियों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। मुझे खुशी है कि चतुर्थ कृषि रोड मैप के प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाने, मेगा फूड पार्क स्थापित करने और एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने जैसे प्रावधान है। देवी और स्वजनों, बिहार भगवान बुद्ध और अशोक की धरती है। उन्होंने संपूर्ण मानवता को शांति और सद्भाव का पाठ पढ़ाया है। आप इस पावन धरती के वासी हैं, इसीलिए आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप एक ऐसी समाज का आदर्श प्रस्तुत करें
जिसमें देश और कलह की कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। विकसित भारत के सपने को पूरा करने में इस प्रदेश का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस सपने को सच्चाई से बदलने के लिए हमें मानव निर्मित संकीर्णताओं से बाहर निकालना होगा। बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के लिए समेकित विकास के अलावा कोई विकल्प नहीं है। राज्य के नीति निर्माताओं और जनता को बिहार की प्रगति के लिए एक रोड मैप निर्धारित करना होगा और उस पर चलना होगा। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुझे और अधिक खुशी होगी जो बिहार विकास के हार मानक पर रोड मैप बनाकर लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ता दिखाई दे, क्योंकि ये भी मेरा राज्य है, मैं अपना राज्य मानती हूँ बिहार को। माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे बार बार आने के लिए कहते हैं, मैं जरूर आऊँगी क्योंकि ये भी मेरा राज्य है। कभी मेरे पूर्वजों में यहाँ रह करते थे, अभी मेरा भाई बहन उनके उत्तर पीढ़ी है, तो ये भी मेरा राज्य अपने मानती हूँ, इसीलिए मुझे जरूर आना है, मैं आऊँगी बीच बीच में, क्योंकि मैं भी किसान की बेटी हूँ। यहाँ कैसे जैविक खेती किया जाता है, कैसे भंडारण, कैसे प्रावधान रोड मैप द्वारा क्या हो रहा है, मुझे भी जानकारी लेना है। मुझे तो प्रेसिडेंट के पास जाना है, गांव को खेती करना है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुझे और अधिक खुशी है कि जो बिहार विकास के हार मानक पर रोड मैप बनाकर लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ता दिखाई दे, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, प्रति व्यक्ति आय हो, या सबसे बढ़कर हैप्पीनेस इंडेक्स हो। अतः मैं आप सबको नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दशहरा की बधाई देती हूँ, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही है, सब माँ दुर्गा की नवी पूजा को पूजन करते हैं। ये हम लोगों का बहुत सारे त्योहारों में से एक सबसे बड़ा त्यौहार है। सबको बहुत बहुत बधाई। माँ दुर्गा की कृपा सदैव बिहार और बिहारवासियों पर बनी रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। तो आपने सुना इन्होंने क्या कहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।